दोस्तों टाटा WPL का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया, जहां मुंबई इंडियंस को 12 गेंदों में चाहिए थे 21 रन, लेकिन उसके बाद हुआ ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो दोस्तों अगर आप भी देखना चाहते हैं आखिरी 12 गेंदों का पूरा रोमांच, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी महिला लीग यानी WPL का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल के कप्तान मैग लेनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन दिल्ली कैपिटल का यह फैसला तब उन पे ही उल्टा पड़ गया जब पिछले मैच में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज वांग अपने पहले ही ओवर में लगातार 12 रन में ही 2 विकेट झटक लिए, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल के कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाए और 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर मात्र 131 रन ही बना पाई। जहां दिल्ली कैपिटल की तरफ से सबसे ज्यादा रन कप्तान मैग लेनिंग ने 29 गेंदों में 35 रन और राधा यादव ने 12 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली, तो वहीं 132 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और मात्र 23 रनों पे ही यस्तिका भाटिया और हैली मैथ्यूज का विकेट गवा देती है। लेकिन उसके बाद आया नेट सिवर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर का तूफान और दोनों ने मिलकर 72 रनों की साझेदारी की और मुंबई इंडियंस को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। लेकिन यह मुकाबला तब रोमांचक हो गया जब मुंबई इंडियंस को आखिरी 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 21 रन, तब नेट सिवर ब्रंट ने 19 ओवर में 16 रन और आखिरी ओवर में 3 गेंद रहते ही 5 रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों अगर आप भी मुंबई इंडियंस की रोमांचक जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक और क्रिकेट से जुड़ी और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।